हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कार्टेज मेथड की हेल्प से 4 डिग्री की इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखेंगे। यानी कि बाई-क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और आपको अब डिस्कार्टेज मेथड को यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशन को सोल्व करना है और इस इक्वेशन के रूट्स निकाल के आपको फाइंड करके दिखाने हैं। मतलब एक्स की आपकी चार वैल्यूज़ आप फाइंड करके दिखाएंगे, जिसमें कि आप एक्स के मतलब इस इक्वेशन के चारों रूट्स फाइंड करके दिखाएंगे लास्ट में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट स्टेप है, हमें जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कार्टेज मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया था, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपकी ये क्यूब वाली जो आपकी सेकंड टर्म है, मतलब ये आपकी 4 डिग्री की है और ये 4 डिग्री यानी कि एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है। तो इस सेकंड टर्म को आपको क्या करना है, सबसे पहले रिमूव करना है। और जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर ये टर्म पहले से ही गिवन नहीं थी, तो हमने डायरेक्ट ही क्या था, अपना मेथड अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर आपको क्यूबिक वाली टर्म दे रखी है तो क्या करके दिखाएंगे स्टूडेंट, आप उसे सबसे पहले रिमूव करके दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले उसे रिमूव करने के लिए, ये भी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको सेकंड टर्म की इक्वेशन से रिमूव करनी पड़ती है तो हमें डिक्रीज करना पड़ता है रूट्स को। क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, डिक्रीज करना पड़ता है रूट्स को, और किससे, एक एच आप लिखते हैं उससे आप उसको डिक्रीज करके दिखाते हैं। और वो आप किस तरह से लिख के दिखाते हैं, मतलब आपने लिखा यहाँ पे एच विच इज इक्वल्स टू, आपने लिखा इसकी वैल्यू जो होती है माइनस का ए वन डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय ए नोट। और इसको आप लिख के किस तरह से दिखाएंगे कि हमने क्या किया है, डिक्रीज किया है अपने रूट्स को, मतलब जो नई इक्वेशन आएगी उसके रूट्स इस इक्वेशन से क्या आएंगे, कम आएंगे, एच कम होंगे। वो एच वैल्यू अभी आने वाली है, वो जब आएगी तो हम आपको लिख के दिखा देते हैं, डिक्रीज द रूट्स बाय एच। तो ये एच की वैल्यू आप यहाँ पे लिख चुके हैं। अब स्टूडेंट, ये ए वन और ए नोट क्या है, अगर इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम रफली लिखते हैं तो क्या आती है स्टूडेंट, ए नोट एक्स की पावर 4, ए वन एक्स की पावर 3, ए टू एक्स की पावर 2, इसे हम सिर्फ मैं रफली लिख के दिखा रही हूँ, प्लस ए थ्री एक्स, प्लस में स्टूडेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का ए फोर विच इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब स्टूडेंट आप क्या करके दिखाएंगे, ए नोट और ए वन आपको क्लियर है, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का ए वन, एक्स क्यूब का कोफिशियंट ए वन, यहाँ पे माइनस 8 है और नेगेटिव पहले से है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8। एन होता है आपका हाईएस्ट पावर, जो कि यहाँ पे कितना है 4, इस जो पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो ये आपका 4 आ गया। और ए नोट क्या है स्टूडेंट, आपका एक्स फोर का कोफिशियंट जो कि ए नोट के इक्वल है विच इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। मतलब जो आपकी नई वाली इक्वेशन आएगी उसके रूट्स प्रीवियस इक्वेशन से जो आपको गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, उससे कितने आएंगे स्टूडेंट, 2 कम आएंगे। और आपकी जो सेकंड टर्म है जो एक्स क्यूब वाली टर्म, वो यहाँ से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रिमूव हो जाएगी। अब हम क्या करके दिखाते हैं स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हुए अपने रूट्स को ऐसे डिक्रीज करके आपको दिखाते हैं। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, आपको क्या करना है, अपनी पॉलिनोमियल के सिर्फ क्या करके दिखाने हैं, कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो मैंने जिससे आपको डिक्रीज करना है वो लिख लिया। अब आपके कोफिशिएंट एक्स फोर का, एक्स क्यूब का, और फिर आपका एक्स स्क्वायर का, फिर आपका एक्स का, एंड देन लास्ट आपका होता है कॉन्स्टेंट टर्म। आपने सभी को लिख लिया, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सिंथेटिक डिवीज़न आपको अप्लाई करना सिखाया है पॉलिनोमियल्स के केस में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने 1 को एज इट इज़ लिख लिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, ये बचता है आपका माइनस का 6, माइनस 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 12, यहाँ बचता है स्टूडेंट आपका 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा 18, यहाँ बचता है माइनस का 8, माइनस 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 16, और इन्हें ऐड करके आ जाता है माइनस का 2। इसके बाद स्टूडेंट फिर से आपने वही एज इट इज़ 1 को एज इट इज़ लिख लिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ बचता है माइनस का 4, माइनस 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा माइनस 8, 9 और माइनस 8 को ऐड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 2, और ये बचता है आपका माइनस का 6 ऐड करके। फिर स्टूडेंट आपने फिर से अप्लाई करना है जब तक कि आपकी सिंगल डिजिट नहीं बच जाती। यहाँ से 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा माइनस का 2, माइनस 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 4, यहाँ ऐड करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3। फिर दोबारा से अगर हम अप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ आपने, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ से 1 को एज इट इज़ उतार लिया, 1 को लिख लिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस 2 और 2 कैंसिल, यहाँ बचता है 0, और एज इट इज़ ही आपने सिंगल डिजिट फिर से यहाँ पे लिख ली। इसका मतलब जो आपके रिमाइंडर्स बचते जा रहे हैं हर बार, इनसे अब आप क्या करके दिखाएंगे, अपनी नई जो इक्वेशन उसे ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे। तो जो आपकी इक्वेशन बन के आएगी, मैंने उसको लिख लिया, जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, ये आपका वाई की पावर 4 का कोफिशियंट, यहाँ पे आपकी जो न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है उसमें एक्स क्यूब का कोफिशियंट 0, जो आपको रिमूव करना था। उसके बाद आता है आपका माइनस 3 वाई स्क्वायर, ये आपका वाई स्क्वायर का कोफिशियंट, ये वाई का यानी कि माइनस का 6 वाई, और ये हो जाएगी आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट आपकी क्या है, ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, ये आप लिख के दिखा देंगे और फिर हम इसको अब आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि आपकी जो क्यूबिक टर्म थी वो आपकी रिमूव हो चुकी है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं अपना जो कार्डन्स मेथड है। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हो गई स्टूडेंट, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब उसके बाद हम करते हैं जो हमें अप्लाई करना है अपना डिस्कार्टेज मेथड, उसका फर्स्ट स्टेप अब यहाँ से स्टार्ट होता है।
तो इस क्वेश्चन में बस एक्स्ट्रा क्या था, आपने अपनी सेकंड टर्म को रिमूव करके दिखाया है। तो ये मैंने लिख लिया माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 6y। अब इसको हमें सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसको स्टूडेंट हम किसके इक्वल लिख लेते हैं, आपको ध्यान रखना है आपको दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मतलब फैक्टर्स में हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये 4 डिग्री की इक्वेशन है। तो यहाँ से आपने क्या लिखा, पहला तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली वाई स्क्वायर प्लस पी वाई, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं और फिर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके अपने इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस में पी वाई, और ये स्टूडेंट हो जाएगा प्लस का आपका क्यू डैश। तो मतलब आपने क्या करना है, पी यहाँ से क्यू और क्यू डैश की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, और इसे मैंने दे दिया स्टूडेंट सेकेंड, ये आपका सेकंड नंबर हो गया कि आपने अपनी जो 4 डिग्री की इक्वेशन थी उसे प्रोडक्ट में लिख लिया दो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस थी उसमें। अब स्टूडेंट सबसे पहले जो काम है आपका, आपने राइट साइड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेना है, और वेरिएबल्स को आपने क्या किया, कॉमन लेके कॉन्स्टेंट्स को आपने लिख दिया। तो ये मैंने आपको ना करके देखा, ये आप रफली ज़रूर करके देखेंगे, क्यू प्लस क्यू डैश माइनस में आपका बचता है यहाँ से पी स्क्वायर, और फिर अपन ने इसको चेंज करके लिख लिया वाई के जो साथ में थे आपके कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, जब आपने वाई को कॉमन ले लिया तो ये फिर मैंने अलग से इसको करके लिख के दिखा दिया पी क्यू डैश माइनस में पी क्यू, और प्लस में आपकी आ जाती है क्यू क्यू डैश, जो आपकी क्या आ जाती है यहाँ से जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो हमने अलग करके लिख ली। अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है लाइक पावर्स को वाई की। तो यहाँ तक आपका काम हो चुका है, अब हमें क्या करके दिखाना है, इक्वेटिंग हमें लाइक पावर्स, यानी कि जो वाई की पावर 4 है, सॉरी वाई की पावर स्क्वायर के एंड वाई के जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ है सबके हमें क्या करके दिखाने, कोफिशेंट्स को कंपेयर करना है। वहाँ से क्या होगा, आप जो इक्वेशंस आपकी नहीं बनेंगी वहाँ से आप पी क्यू एंड क्यू डैश की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे ताकि आप अपने रूट्स को फाइंड कर सकें। तो हमने क्या किया, वाई की वैल्यूज़ को इक्वेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वाई स्क्वायर के कोफिशेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशेंट कितना, माइनस का 3, और यहाँ पे स्टूडेंट कितना है, क्यू जो आपकी राइट साइड है, क्यू प्लस में क्यू डैश माइनस का पी स्क्वायर। अगर इसे हम सोल्व करते हुए लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, क्यू प्लस में क्यू डैश, अगर हम पी स्क्वायर को अगर हम भेजते हैं अनदर साइड तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर पॉजिटिव का माइनस का 3 पहले से है। तो ये स्टूडेंट आपकी जो इक्वेशन है, अभी तक हम दो सेकेंड नंबर तक मैंने दिया है तो इसको मैंने दे दिया थर्ड नंबर, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। फिर स्टूडेंट आपने कंपेयर करना है वाई की टर्म्स को, जो वाई की साथ में आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वो हैं आपके पी क्यू डैश माइनस में पी क्यू इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, यहाँ से आप देखेंगे जो वाई की आपके कोफिशेंट है वाई का कितना, माइनस का 6 है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्यू डैश ये आपका क्यू डैश है माइनस का क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन में पी, क्योंकि पी यहाँ से कॉमन आएगा अपॉन में जा सकता है। इसको स्टूडेंट हमने दे दिया फोर्थ नंबर। अब हमें देखना कॉन्स्टेंट जो वैल्यू है, कॉन्स्टेंट ये टर्म इसके अंदर क्यू क्यू डैश और यहाँ पे कितनी है माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 2, इसको मैंने दे दिया स्टूडेंट फिफ्थ नंबर। अब हमें क्या करना है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन का यूज़ करना है और एक आइडेंटिटी जो लोअर क्लास की आइडेंटिटी है उसका यूज़ करते हुए हम पी और क्यू एंड क्यू डैश की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो हमने आइडेंटिटी जो यूज़ किया स्टूडेंट उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, वो है आपकी क्यू डैश प्लस में क्यू और उसका होल स्क्वायर, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते थे आप, और यहाँ से लिखेंगे क्यू डैश माइनस में क्यू का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, ये हमने ए बी की फॉर्म में हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं जहाँ हमें q और q डैश की वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट आप रफली लिख सकते हैं कि आप अप्लाई क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या है इस स्टेप के अंदर, एलिमिनेट करना है अपने q और q डैश को, टू एलिमिनेट q एंड q डैश, ये हमने क्या करके दिखाया है। और हमने क्या किया, एक आइडेंटिटी यूज़ किया है जो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है, जो कि आपकी लोअर क्लास का काम है, यूज़ द आइडेंटिटी। तो ये स्टूडेंट आपने यहाँ से लिख दिया अपना, और अब उसके बाद हम करके दिखाते हैं इसका यूज़। अब देखिएगा क्यू डैश प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, आपकी पी स्क्वायर माइनस में 3 थी, उसका मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर, और क्यू डैश माइनस में क्यू की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपकी, माइनस का 6 ओवर में पी, उसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू 4 क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू डैश, क्यू क्यू डैश की वैल्यू थी स्टूडेंट माइनस 2। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, उन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके दिखाया है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया फिफ्थ इक्वेशंस, ये लिख लिया स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से ये हो जाएगा आपका पी की पावर 4, 3 3 जा 9, और यहाँ से बचता है स्टूडेंट आपका माइनस का 6 पी स्क्वायर, और इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कितनी हो जाती है आपकी, नेगेटिव का 36 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना आ जाता है, माइनस का 8। अब यहाँ से स्टूडेंट अगर आप एलसीएम लेते हैं
तो एलशियम को हम क्या करेंगे, राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पे पावर आपकी रेज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो पी की पावर हो जाएगी 6 और यहाँ से हो जाएगा 9p² माइनस का 6p⁴, या आप अगर चाहें तो अपना रफली कर सकते हैं माइनस का 36। और ये पी स्क्वायर अगर राइट साइड ट्रांसफर होगा तो -8p² होगा, और उसे अगर हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 8p² प्लस का इज इक्वल्स टू 0, राइट साइड आपकी 0 बच जाएगी। अब इसको हम फिर से ठीक से लिख लेते हैं, पी की पावर 6 माइनस का 6p⁴, 9p² प्लस 8p² कितना हो जाएगा आपका 17p², और स्टूडेंट ये बचेगा माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन यहाँ से बच चुकी है। अब क्या करना है स्टूडेंट, हम इसे इक्वेशन को सोल्व करना है और पी की वैल्यूज़ को फाइंड करके दिखाना है। तो एक बार हम इसे फिर से लिख के दिखा देते हैं आपको ताकि कोई गलती ना हो। तो ये थी स्टूडेंट आपकी पी की पावर 6 माइनस का 6p⁴ प्लस का 17p², और ये बच जाएगा स्टूडेंट आपका माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपने मान लीजिए मैं पी स्क्वायर को इसको एक क्यूबिक इक्वेशन बना के सोल्व करना चाह रही हूँ। पी स्क्वायर को मैंने ले लिया जेड, तो पुट करा है मैंने ऐसा, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कितनी हो जाएगी, पी की पावर 3 माइनस, इसको मान लीजिए मैंने पी को, इसको पी स्क्वायर को जेड पुट किया है, तो ये बचेगा आपका जेड की पावर 3 माइनस का 6z² प्लस का 17z, ये आपका बचेगा यहाँ से 17z और माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर आप देखते हैं तो z की कौन सी वैल्यू जिसे सेटिस्फाई करती है, एक वैल्यू मैंने निकाल दी z इज इक्वल्स टू 4। अगर z इज इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा स्टूडेंट, 4 के इक्वल बचेगा। इसका मतलब पी की वैल्यू यहाँ से +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। स्टूडेंट मैंने रफली दोनों ही वैल्यूज़ को सोल्व करके देखा है, +2 के साथ भी मैंने क्वेश्चन को किया, सेम आंसर देता है क्वेश्चन, और मैंने -2 के साथ भी करके दिखाया। और मेरी प्रीवियस वीडियो के जो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था अपना क्वेश्चन, उसमें मैंने दोनों वैल्यू से सोल्व करके दिखाया था और उसमें मैंने डाउट क्लियर कर दिया था कि आप +2 वैल्यू लेते हैं तब भी वही सेम आंसर आता है, एंड -2 लेते हैं तब आपके आंसर्स बिल्कुल सेम आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आप पी को +2 के साथ सोल्व करके दिखाऊंगी, नहीं तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आप, और -2 वाला केस आप खुद बिल्कुल छोटा सा केस बनता है, उसको आप रफली भी करके देख सकते हैं। तो सिर्फ मैंने क्या चूज़ किया स्टूडेंट, यहाँ से पी इज इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वैल्यू के साथ मैं इसे सोल्व करके दिखा देती हूँ। तो अब पी की वैल्यू अगर 2 है, तो अगर हम अपनी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन की बात करते हैं, तो आपने यूज़ करनी है अपनी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, और आपको क्या करके दिखाना है, क्योंकि पी की वैल्यू आ चुकी है तो क्यू एंड क्यू डैश की वैल्यूज़ भी निकाल के दिखानी है। तो आपकी वैल्यूज़ थी यहाँ पे क्यू डैश प्लस में क्यू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 3। तो अगर पी स्क्वायर माइनस 3 को हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 1, यानी कि आपका बचता है क्यू डैश प्लस में क्यू इज इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन आपके पास आ चुकी है स्टूडेंट, और दूसरी इक्वेशन थी आपकी क्यू डैश माइनस में क्यू इज इक्वल्स टू माइनस का 6 ओवर में पी, और पी की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू डैश माइनस में क्यू इज इक्वल्स टू कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास क्यू डैश प्लस क्यू एंड क्यू डैश माइनस क्यू में 2 इक्वेशन आ चुकी हैं जिसे आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं यहाँ से थोड़ी सी वैल्यूज़ को यहाँ से हटा रही हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपने क्यू क्यू डैश की वैल्यूज़ को फाइंड करके दिखा सकूँ। इसे आप पॉज करके लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जो आपकी रफ नोटबुक्स हैं, और p इज इक्वल्स टू -2 का केस आप खुद करके दिखाएंगे, वो बिल्कुल सिमिलर आंसर आता है, इसलिए मैं उसे बार बार यहाँ पे नहीं करके दिखा रही। तो ये है आपका q डैश प्लस में q इज इक्वल्स टू 1, एंड दूसरी वैल्यू स्टूडेंट आपकी q डैश माइनस में q इज इक्वल्स टू माइनस का 3। अगर एलिमिनेशन मेथड से हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं ये बचता है आपका 2q डैश इज इक्वल्स टू आपका बचेगा माइनस का 2, और q डैश की वैल्यू तो स्टूडेंट हो जाएगी आपके पास माइनस का 1। और यहाँ से अगर आप q की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए, तो q की वैल्यू स्टूडेंट कितनी बच जाएगी आपके पास 2, तो आपके पास q और q डैश और p तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसका मतलब आप सेकंड इक्वेशन का भी यूज़ आराम से कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो देखिएगा, वो इक्वेशन थी स्टूडेंट जो आपकी, ये यहाँ पे हमने लिखा था इसको सेकंड इक्वेशन को, ये रही आपकी इक्वेशन। तो यहाँ पे पी क्यू एंड क्यू डैश, और यहाँ पे भी माइनस पी जो वैल्यूज़ हैं, ये सब आप रख के दिखाएंगे और फटाफट से अपने जो आंसर्स हैं वे फाइंड करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट आपकी जो वैल्यूज़ आई थी उसके हिसाब से जब आप इक्वेशंस को लिखते हो, सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हो, उसकी राइट साइड को अगर मैं यूज़ करते हुए लिखती हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो ये आ जाता है यहाँ से वाई स्क्वायर, पी की वैल्यू आपकी थी 2 जो कि मैंने चूज़ की थी, और फिर आपने लिखा यहाँ से क्यू की वैल्यू, और फिर आपने पुट किया स्टूडेंट वाई स्क्वायर -2y, और ये हो जाएगी आपकी q डैश की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 0। पर स्टूडेंट आपको अपनी x की वैल्यूज फाइंड करके दिखानी है, क्योंकि आपको अपने गिवन इक्वेशन से रूट्स फाइंड करने हैं।
इसका मतलब आप क्या करके दिखाएंगे, आपको पता है कि जो आपकी ये न्यू इक्वेशन जो बन के आएगी, जो वाई में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इसके रूट्स आपकी जो गिवन इक्वेशन थी उससे क्या है, टू कम है, यानी कि x की वैल्यू से हमेशा क्या आएंगे, टू कम आएंगे, हमने डिक्रीज़ किया था रूट्स को, जो इक्वेशन थी जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बन के आई थी, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन थी, इसका मतलब y की जगह आप क्या पुट कर सकते हो स्टूडेंट, x माइनस टू। तो इस इक्वेशन को यहाँ से देखिएगा, यहाँ y की जगह हर जगह आप क्या लिखेंगे, x माइनस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट आपको निकालना क्या है, अपनी x की वैल्यूज फाइंड करनी है, जो आपकी गिवन इक्वेशन आपको फर्स्ट इक्वेशन थी उसके रूट्स को आपको निकाल के दिखाना है। तो ये स्टूडेंट आप जो काम है इसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, आप इसको रफली ज़रूर करके देखेंगे, क्योंकि इसमें लोअर क्लास का काम है, सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई एडअप करके इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए आपने लिख के दिखानी है, बस दोनों को अलग अलग आपने सोल्व करना है। इस इक्वेशन को लिख लेना है, इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसे मैंने रफली सोल्व करके लिख लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 7, और दूसरी जो इक्वेशन आएगी मल्टीप्लाई एडअप करके आप लिखेंगे, लोअर क्लास का काम है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इसी इक्वेशन में आपने करके दिखाया, क्योंकि मुझे x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मल्टीप्लाई करके जीरो हैं, दोनों को आप जीरो को इक्वल रखेंगे और वहाँ से अपने x की वैल्यूज़ को फाइंड करके दिखाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से आप करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अपना करके लिख सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का बी, यहाँ पे नेगेटिव है पहले से, नेगेटिव करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4ac, इसका कोफिशियंट 1, यहाँ से कितना आएगा 7, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, मल्टीप्लाई अपॉन में लिखेंगे 2 इंटू में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ से 1 है, और एज इट इज़ यहाँ पे नेगेटिव पहले से है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आएगा आपके पास प्लस माइनस, बी स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस का 4ac, ए की वैल्यू यहाँ से 1 और यहाँ से प्लस का 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से आ जाता है आपका ये बचता है आपका 12 अपॉन में 2, और ये हो जाता है स्टूडेंट 2 प्लस माइनस, माइनस का 4 बचेगा, यानी कि कितना बच सकता है ऐसे 2 आयोटा अपॉन में 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बचेगा, क्योंकि नेगेटिव का 4 बचेगा उससे 2 और आयोटा बचता है। यहाँ पे जो रूट्स है आपके रियल रूट्स हैं इस वाली इक्वेशन से, जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 वाला फैक्टर था, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन में 2। तो स्टूडेंट इसे सोल्व करके अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से, तो अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ सिर्फ कितना बचेगा 1 प्लस माइनस आयोटा, ये दो रूट्स हैं आपके इमेजिनरी रूट्स हैं, और इसको भी अगर हम कॉमन लेते हुए करते तो कितना बचता 3 प्लस माइनस, और ये बच जाता आपका रूट 3, और नीचे से 2 कैंसिल क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया। तो ये स्टूडेंट आपके चारों रूट्स आपके सामने हैं, जो आपको इस इक्वेशन के अंदर डिस्कार्टेस मेथड से मैंने सोल्व करके दिखाया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैंने जो एक्स क्यूब वाली टर्म है, जो सेकंड टर्म है, उसको रिमूव करके दिखाया है। डिस्कार्टेस मेथड में जिस तरह की इक्वेशन होती है उसमें फॉर्म करके फिर मैंने इसको आगे अपने स्टेप्स लिए हैं, और फिर लास्ट में स्टेप क्या था कि आपकी इक्वेशन फॉर्म हुई थी वाई में, लेकिन मुझे वैल्यूज चाहिए थी एक्स में, तो मैं इक्वेशन कौन सी यूज़ की कि वाई जो यानी कि नई इक्वेशन है उसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स से क्या होंगे, टू कम होंगे, वो वाले स्टेप से मैंने एक्स के पास एक्स में जो इक्वेशंस बनी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्हें सोल्व करते मैंने इन रूट्स को फाइंड करके दिखाया है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कार्टेस मेथड से रिलेटेड थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सोल्व किया है। आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स।